Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. तो गाइस अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जो लाल कलर का बटन है इसको दबा दीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है इसको भी जरा इनेबल कर दिया, और मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड है डी डी फ्रीडी से रिलेटेड। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाकर इन वीडियोज़ को देख लीजिए, और अगर आपको इन वीडियोज़ को देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो भाई आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, और अगर मैं आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूँ तो प्लीज़ मेरे अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, तो आपको सिंपली इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर पहुँच जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं इंस्टाग्राम पर रहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे मेरे को कुछ भी मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा और 101% करूँगा आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी फ्री अपडेट्स के लिए। तो भाई लोग आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग अपने डीडी फ्री डिश में सोनी जो है ये बीबीसी अर्थ इसे चला सकते हैं। सो गाइस ये चैनल लगभग कल ही आ चुका था, कल दोपहर में ये चैनल आ गया था, लेकिन गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ ये चैनल जब दोपहर में आया था ये चैनल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप अभी देखते तो अभी इस चैनल में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और अभी अगर आपको मैं टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहा है 7 बजे, आप लोगों को टाइम भी अगर शायद शो हो रहा हो अभी 7 बजे सुबह के गाइस, ठीक है। और सुबह अगर मैं इस चैनल को चलाता हूँ बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, फ्री टू एयर वाला चैनल आप लोग देख सकते हैं, चैनल जो है फ्री टू एयर है, और ये जो चैनल अभी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर आप लोग सिग्नल क्वांटिटी देखनी है तो आपको सिग्नल क्वांटिटी दिखा देता हूं, तो अगर आप लोग चाहे तो यहां से एलबीएन फ्रीक्वेंसी और ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी को नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद एड ए न्यू प्रोग्राम में जाकर इस प्रोग्राम को एड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूं इस चैनल को चलाने का। सबसे पहले तो आपकी जो सिग्नल क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब लगभग 40 से अबव होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मेरी जो सिग्नल क्वांटिटी 40 से अबव है गाइस, कल मेरी सिग्नल क्वांटिटी 30 से भी लो थी, लेकिन जब मैंने अपना एंटीना डिश थोड़ा सा हिलाया तो मेरा जो सिग्नल क्वांटिटी है थोड़ी इंक्रीज हुई और मेरा जो चैनल है वो प्रॉपर तरीके से चलने लग गया। अब मैं आपको बता देता हूँ इस चैनल को चलाने का प्रॉपर मेथड कौन सा है। सबसे पहले तो मैंने आपको कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करें, तो यार सबसे पहले आप लोगों को अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेने अगर ये चैनल आपके नहीं चलता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की वीडियो मैं काफी सारी बना चुका हूं, और उसके ऊपर आप अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करी है सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड, तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद आप यहां वाली वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको आना है प्रोग्राम सेटअप में, प्रोग्राम सेटअप में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो स्कैन पे, ऑटो स्कैन पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी होती है 5150 आपको इसे ही एंटर कर देना है, उसके बाद आपको ओके का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप लोग ओके का बटन प्रेस करेंगे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे आपको तीसरे या चौथे नंबर पर सोनी बीबीसी अर्थ देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें सोनी बीबीसी अर्थ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। गाइस पहले ही बता देता हूं आप लोगों की अगर सिग्नल क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी तो ये चैनल नहीं चलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं तीसरे नंबर पर हमारा जो सोनी बीबीसी अर्थ है वो आ चुका है। तो गाइज अभी मैं ये चैनल बिल्कुल फ्री टू एयर मतलब फ्री चल रहा है एमपीजी 2 रिसीवर में, पहले ही बता देता हूँ एमपीजी 2 रिसीवर में ये जो चैनल है फ्री चल रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में ये चैनल ना चले, बाद में ये चैनल नहीं भी चल सकता है, लेकिन जब तक ये चैनल चल रहा है आप लोग इस चैनल का आनंद उठा सकते हैं। अब गाइज हमें पूरा स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे मेन्यू बटन प्रेस करके यहां तक इस डाटा सेव कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहां पे इसे कैंसिल कर देना और टीवी चैनल पर आ जाना। जैसे ही आप लोग टीवी चैनल पर आएंगे आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा सोनी बीबीसी जो आपने अभी स्कैन कराए, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोनी बीबीसी अर्थ देखने को मिल चुका है, और ये चैनल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, और इसकी सिग्नल क्वालिटी आप लोग देखें तो बहुत ही अच्छी मिल रही है देखने को। और यार पिक्चर क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर खुद ही आप लोग पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं, काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई डीडी फ्रीडिज का लोगो देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फ्री टू एयर है मतलब फ्री अलाइव दिखा रखा है, तो मतलब ये जो चैनल है फ्री टू एयर है तो अभी ये चल रहा है। तो ऐसे ही कई सारे चैनल्स होते हैं जो पेड होते हैं जो कई बार चल जाते हैं फ्री टू एयर में। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना, ये चैनल आपके सेप्टॉप बॉक्स में नहीं चले तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड्स या फैमिली जो भी डीडी फ्रीडिज यूज करते हैं यार उस तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि वो भी अगर डिस्कवरी चैनल ना देख पा रहे हो तो यार सोनी बीबीसी अर्थ उससे रिलेटेड मतलब उसका अल्टरनेट एक चैनल है तो यार वो इस चैनल को देख पाएंगे। तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना यार, मैं पहले ही बताया था अगर कभी भी कोई नया पेड चैनल चलता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। सो गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर देना, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो जय हिंद वंदे मातरम।